न्यूज़ दूंगी ना जब तो तुम भी पागल हो जाओगे। क्या न्यूज़ बताती हूँ। अरे क्या न्यूज़ है बताओगी। अरे बड़ा वियर्ड बिहेव कर रही हो तुम आज, क्या हुआ? बताती हूँ, रिलैक्स करने दो। तो मैं आपको बता दूँ, खुशखबरी तो मैंने तो सुन ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमने जश्न भी मना लिया उस खुशखबरी का। अब सोच रहे हैं आपको बताएं कि ना बताएं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मेरी आदत वो तो लगा नहीं पाएगी, उसकी मैंने लगा ली। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 12, और 12 बजते ही जो है चेरी और कैंडी लग चुके हैं मम्मी के ऊपर, कुछ मांगने के लिए शुरू हो चुका है उनका ड्रामा। क्या मांग रही है? क्या मांग रही है वो? अंडा मांग रही है क्या? खाने को मांग रही है, तंग कर रही है, उसको प्यार चाहिए। चुनी मेरा बच्चा, क्या चाहिए चेरू को? खाने को चाहिए कुछ? क्या खाने को चाहिए? क्या गुड बोलेगी तो। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिकॉज चेरी से सुबह से लगी हुई, तो मैं व्लॉग में ऐसे ही आई हूँ सीधा। मतलब व्लॉग स्टार्ट नहीं किया मैंने। है चेरू को क्या चाहिए मम्मा जी? कुछ खाने को चाहिए क्या? क्या चाहिए? अंडा चाहिए। जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेगी तब तक कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इधर आ। अरे 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 अरे, चेरू को हड्डी चाहिए। हड्डी हड्डी चाहिए, हड्डी चाहिए। चल देती हूँ जी। हम लोग जा रहे हैं किसी काम से, थोड़ा सा काम है हमको। और मेरा चेरू पोंडू कैसा लग रहा है देख लो। दीदी तैयार कर दी है चेरू को। दीदी देखना, रबर टाइट नहीं है ना? नहीं तो ये वाला, हाँ इस साइड वाला टाइट लग रहा है। हाँ थोड़ा सा लूज कर दो। चलो बेबी, क्या बैग लिया हुआ तुमने? ये कैसा कार्टून है? इसके बाल देखने जरा। जब तुम सो के उठती हो ना, वो वाला लुक है इसका। मैंने चप्पल से मैच किया ना बैग। मैचिंग सीख गई है मेरी बेबी। अभी अभी हम लोग पहुंचे हैं कैनन की, उसकी जो दुकान है वो पीछे शिफ्ट हो गई है, तो तुम यही गाड़ी लगा लो, मैं ये दिखा के आता हूँ। गाड़ी भी वेट कर ना। हाँ, ठीक है। कैमरा दिखा दिया है, ये लोग कह रहे हैं सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल हम लोग निकल गए घर के लिए, और हम दोनों को ही बहुत तेज एकदम अनकंट्रोलेबल वाला सुसू आ रहा है। आई कांट टॉक एंड आई कांट लिसन। दोस्तों मैं गया था अभी अभी नीचे वर्कआउट करने। आज कई दिनों के बाद मैंने शाम को वर्कआउट किया है, मजा भी आ गया और हालत भी खराब हो गई, पूरा पसीने पसीने हो गया मैं। ऊपर आया तो संभावना कहीं गई हुई किससे मिलने, अभी आ रही है, अभी उसका फोन आया। मैं सोच रहा हूँ उसके आने से पहले फटाफट मैं नहा लूं, और जैसे ही मैंने संभावना का नाम लिया जरा उसका रिएक्शन देख लो, वो कैसे पता चला है कि वो आ रही है। छोनू को पता चल गया क्या मम्मी के बारे में? हैं छोनू को कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। और संभावना का नाम लिया, उसका फोन हाजिर। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे मैं व्लॉगिंग कर रहा था। ओ अच्छा। हाँ कितनी देर में आ रही हो तुम? दीदी रास्ते में ही हूँ। मम्मी पापा के जाते तुम कुछ ज्यादा नहीं घूम रही हो? नहीं अभी मैं आ रही हूँ ना, बस सिग्नल पे हूँ, दो सिग्नल पार करते ही घर की ओर आ जाऊंगी। अभी तुम्हारी सास को फोन लगाता हूँ, रुको। तुम नहीं, मैं बताऊंगा कि देखो आपके जाते ही आपकी बहू कितना घुमक्कड़ हो गई है। लेकिन मम्मी पापा के लिए मैं घर पे रुकती भी तो थी ना। तुम जल्दी आओ, मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक तुम आओगी मैं नहा लूंगा। हाँ ठीक है, ओके। दीदी संभावना के लिए दो अंडे बॉईल करने रख दो, और मेरे लिए चाय रख दो, मैं भी नहा के आ रहा हूँ। मैं दो सिग्नल पार करके आना था या दो स्टेट है? इतना टाइम लगता है दो सिग्नल क्रॉस करने में? बेबी तुम्हें एक न्यूज दूंगी ना जब तो तुम भी पागल हो जाओगे। क्या न्यूज बताती हूँ। अरे क्या न्यूज है बताओगी, क्या हुआ? क्या हुआ है बताती हूँ, रिलैक्स करने दो। अरे मुझे क्यों एंजाइटी में फंसा के रखा है, बता क्यों नहीं रही हो? बेबी बताओगी कि यही होता रहेगा? पहले कैमरा बंद करो, मैं पहले तुम्हें बता दूँ फिर मैं सबको बताऊंगी। अच्छा हाँ। आप लोगों को भी मिलेगी न्यूज, लेकिन जरा मैं पहले अविनाश को बता दूँ, अविनाश को भी नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ, खुशखबरी तो मैंने तो सुन ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमने जश्न भी मना लिया उस खुशखबरी का। अब सोच रहे हैं आपको बताएं कि ना बताएं। मतलब कमाल की न्यूज, कमाल की, ओहो हो हो, मजा ही आ गया। भाई बताना है कि कल बताएं? नहीं नहीं बता देते, बता दें। बता देते तो जी, खुशखबरी तो है, और खुशखबरी ये है पहले मैं नाच लूं क्या? जाओ नाच लो। अरे इतना जोर से नहीं नाचना है। अरे कैंडी डर गई, अरे कैंडी डर गई। अरे बिना म्यूजिक के कोई इतना कैसे नाच सकता है भाई? अच्छा म्यूजिक नहीं है, नहीं तो तुम तो तबाही मचा देती। अरे 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 अरे, 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 अरे।
अरे 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 बच्चा, जो न्यूज आप बहुत ज्यादा उत्सुक थे जानने के लिए वो ये है कि माय बच्चा इज प्रेग्नेंट, मिल कैंडी प्रेग्नेंट है, अनदर 15 डेज टू गो। सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई और कैंडू जो है मम्मी बनने वाली है। संभावना जो है वो क्या बनने वाली है? मैं भी मम्मी हूँ। तुम भी मम्मी बनने वाली हो? मैं भी मम्मी हूँ। हम दादी दादा बनने वाले हैं? नहीं नहीं, हम मम्मी पापा ही हैं। मम्मी पापा ही हैं, बच्चों के भी मम्मी पापा ही हैं। और चेरी बनने वाली, चेरी मौसी बनेगी और कोको मामा है। ये देखो पेटू, देख लो आप पेटू देख लो। तो अब ये खुशखबरी के साथ मैं आपको बता दूं कि कैंडी की एक्स्ट्रा अब केयर शुरू हो जाएगी। खाना वाना मैं देख रही थी ये ज्यादा मांग रही है, बट नाउ दैट आई नो तो उसका एक्स्ट्रा ध्यान अब मैं रखूंगी। मतलब अब एक्चुअली निगरानी में रहेगी। एक सेकेंड, मुझे पहले जाना था अपने इधर उधर के कामों में, बट अब जो सारे काम है मैं यहीं पे करूंगी, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रैवल विदाउट देम एंड वी कैन नॉट ट्रैवल विद देम, क्योंकि कैंडी को ट्रैवल नहीं करा सकते। 14-15 दिन की बात है, आपके पास आ जाएगा छोटा सा बच्चा। ये बच्चा या फिर बच्चे, पता नहीं कितने हैं भाई, हमको नहीं पता, डॉक्टर ने बताया नहीं, बट इतना बताया डॉक्टर दैट शी इज सेफ एंड बच्चे आर सेफ। और डॉक्टर ने बोला है कि अब कैंडी को थोड़ा थोड़ा खाना देना है, दिन में 5 बार देना है। आपने पिछले कुछ ब्लॉग में देखा भी होगा कि कैंडी को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। मैं बताना नहीं चाह रही थी आपको कि मैं एकदम धाम से सरप्राइज दूंगी अगर ये हो गया सच। तो फाइनली ये बात सच हो गई है। इतने सालों में मेरी इच्छा थी कि एक कैंडी का बच्चा हो जाए। चेरी का इसलिए नहीं हो सकता, बहुत लोग पूछ रहे हैं, चेरी न्यूटर्ड है, चेरी के बच्चा नहीं हो सकता। चेरी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज और ये डॉक्टर का ही सजेशन था चेरी को कराने का, क्योंकि चेरी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और डॉक्टर ने बोला अगर नहीं कराया तो इसको और प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो ये छाली न्यूज के साथ हम ये व्लॉग एंड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटू इतनी जल्दी व्लॉग एंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। अब तो बे बिल्कुल ही नहीं उठती है सुबह, है ना? हाँ, मेरे उठने के बाद भी नहीं उठती है। मेरे को लगा था कि कुछ नहीं है, पता है? अरे मेरे को तो बिल्कुल समझ में आ रहा था, लेकिन मतलब आज तक ऐसा बार बार निकला ही नहीं ना कभी भी, तो इस बार मैं थोड़ा सा जद्दोजहद में थी कि ये सच है कि नहीं। हम अपना ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं। आप कैंडी को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी है न्यूज़। अरे चेरी मौसी को तो बताओ, चेरी मौसी को लेके आओ। ये कूदर इस कूदना नहीं। डॉक्टर ने कैंडी को बिल्कुल उतरने चढ़ने के लिए मना किया हुआ है और इसको कम से कम उठाना है हमें, तो इसको इसलिए ज्यादातर नीचे रखते हैं, लेकिन रात को ही मानती नहीं है इसको। चेरी मौसी आ गई, चेरी मौसी आ गई, चेरी मौसी बनने वाले हो, पारी पारी जो कोको मामा बनने वाला है। चेरी मौसी बच्चों का ध्यान रखेगी? हाँ ये रखेगी, है पक्का 100% रखेगी। रखेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। चेरी मौसी, कैंडी के माँ बनने से ज्यादा खुशी मुझे चेरी की मौसी बनने की है। ये कौन सी खुशी है तेरी? अरे प्रेग्नेंट बच्चे के पास कोई ऐसा वो नहीं, हरकतें नहीं, ज्यादा ड्रामा नहीं। चलो भागो यहाँ से।